विश्व रोटरी मंडल 3040 के मंडल अध्यक्ष रोटरी एन गजेंद्र नारंग खरगोन की आधिकारिक यात्रा पर आए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और क्लब की प्रथम महिला श्रीमती सार्थिका नारंग भी थी। उनके साथ रोटरी क्लब खरगोन सिटी के माध्यम से संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया गया। रोटरी क्लब खरगोन सिटी के कार्यों और योजनाओं से प्रभावित होकर गवर्नर ने अपनी ओर से 21,000 रुपये और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देने की घोषणा की है। क्लब के सदस्य कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि डीजी की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत रोटरी आहार सेवा केंद्र से हुई, जहां पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण की सेवा अपने हाथों से कर अभी तक की सभी सेवाओं के लिए जानकारी प्राप्त की और मेडिकल इक्विपमेंट का निरीक्षण किया। पश्चात सार्थिका मातृशक्ति समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए योजना संचालित की जाएगी। रोटरी क्लब खरगोन सिटी द्वारा संचालित होने वाले नए प्रोजेक्ट सार्थिका मातृशक्ति समृद्धि योजना का भी शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑटोमेटिक सिलाई मशीन भेंट की गई, जिसमें वह अपनी आजीविका चला सके। योजना से प्रभावित होकर गवर्नर ने अपनी ओर से 21,000 रुपये और एक ऑक्सीजन कंसेंटर देने की घोषणा की है। संभवतः यह पहला मौका होगा जब आधिकारिक यात्रा पर आए किसी गवर्नर ने सेवा गतिविधियों से प्रभावित होकर अपनी ओर से सहयोग की राशि प्रदान की हो। आयोजन के दौरान क्लब के सदस्य इंजीनियर नितिन मालवी, विवेक जैन, शालिनी रतुरिया सहित समस्त सदस्य मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल 3040 उसके अंदर यह रोटरी क्लब ऑफ खरगोन सिटी एक क्लब है जो कि निरंतर बहुत अच्छे सेवा कार्य कर रहा है। वर्ष भर जो सेवा कार्य किए जाते हैं उनका एक ब्यौरा एक उसके साथ में पूरा समझने के लिए जो मंडल के अध्यक्ष होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनकी विजिट होती है और उस आधिकारिक यात्रा का यह आज दिन नियत है जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और वर्ष भर रोटरी क्लब ऑफ खरगोन सिटी द्वारा जो भी सेवा के कार्य प्रकल्प इस खरगोन सिटी के लिए किए गए हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो आगे के आयाम हैं, जिनके ऊपर कि आगे आने वाले समय में कार्य किया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा और उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा जी। पूर्व में किए गए कार्यों का भी अवलोकन होता है, नए आने वाले जो कार्य होते हैं उनके बारे में बात की जाती है और कोई बहुत सारे हमारे ऐसे प्रकल्प होते हैं जो निरंतर वर्ष दर वर्ष चलते रहते हैं, तो उन कार्य योजनाओं की भी जानकारी जो है इसके अंदर ली जाती है। क्या नाम लिखते हैं आप? गजेंद्र सिंह नारायण। 040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की आधिकारिक यात्रा है। यह एक वर्ष भर का फिक्स कार्यक्रम होता है और आज का यह दिन तय था और इसमें कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इसमें हमने जो सेवाएं खरगोन नगर में दी हैं उसका अवलोकन किया गया है, जिसमें आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और फर्स्ट लेडी दोनों के द्वारा आहार केंद्र पर सेवा दी गई, उसका अवलोकन किया गया। और आज महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हम लोग जो स्व सहायता समूह हैं या जिन महिलाओं को कार्य रोजगार की आवश्यकता है उनको सिलाई मशीनें, ऑटोमेटिक सिलाई मशीनें उपहार में दे रहे हैं, जिससे वो रोजगार बढ़ा सके, स्वावलंबी जीवन जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। कुछ और आगामी नई योजनाएं जो आप जनता के जनहित में करेंगे? महिला सशक्तिकरण हमारी सबसे महत्वाकांक्षी है और हम उसी को सबसे आगे बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वर्ष भर में हम 500 महिलाओं को नए रोजगार दें और इसके लिए हम नए अध्यक्ष के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और आगामी वर्ष भर में इसको लेकर बहुत अच्छी योजनाएं हम करवाएंगे देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।